what has happened between India and its neighbors. When you say India is perceived as a big bully, you know, big bullies don't provide $4.5 billion when the neighbors are in trouble. Big bullies don't supply vaccines to other countries when COVID is on. Dr. Jay Shankar jo hai, jinhone kal ek discussion mein ye kaha ki SARC jo hai na, is dead. SARC ka bhi zikr kiya aur SARC ka zikr karte hue उन्होंने कहा कि जी SARC तो आगे नहीं चल सकता, हम तो उसको तकरीबन भूल ही गए हैं क्योंकि उसमें एक ऐसा मुल्क है. उनका इशारा ऑब्वियसली पाकिस्तान ही की तरफ था. In other news, the Indian Navy is bolstering its forces on the strategically important islands close to the Maldives. It is set to open a new base just days before Malé starts sending home Indian forces. The Navy is planning to commission the new base during the commander's conference plan that will be held on the INS Vikrant. We may be small, but that doesn't give you the लाइसेंस टू इंडिया के अंदर ये एक अप्रोच है कि हमें कैसे एक अग्रेसिव डिजाइन एस्टैब्लिश करना है फॉर मालदीव्स एंड इन द रीजन. अब सुनने में आया है कि इंडियन नेवी जो है वो एक स्ट्रेटेजिकली इम्पॉर्टेंट जो नेवी की जो 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 बेस है वो एस्टैब्लिश करने जा रही है नियर मालदीव्स. इंडिया इज बिल्डिंग अ न्यू वन, अ न्यू मिलिट्री बेस, एंड दिस न्यू बेस इज बीइंग बिल्ट इन लक्षद्वीप. Here's what we know so far. Next month, India's defense minister is heading to Minicoy. It is the southernmost island in Lakshadweep. But it's just 100 kilometers from the Maldives. मालदीव्स और भारत की कंट्रोवर्सी आप सबके सामने है, लेकिन भारत ने जब से मालदीव्स को आंखें दिखाई है तब से मालदीव्स में बहुत से क्राइसिस जन्म ले रहे हैं. अभी नौबत ये आ पहुंची है कि मालदीव्स को IMF बेलआउट चाहिए, और इसके लिए मालदीवियंस पुकार लगा रहे हैं. मालदीव्स की आवाम कह रही है कि हमें प्राइम मिनिस्टर मोदी ही इस चीज में हेल्प दे सकते हैं. नरेंद्र मोदी सरप्राइज देना चाहते हैं और वो इस हवाले से काफी काम कर रहे हैं. ये जो इंडियन नेवी की जो नई बेस है, इसको जारी बात है चाइनीज इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए, वन सेकेंड चाइना को ये पैगाम देने के लिए कि ये जो इंडियन ओशन है इस पे हमारी फुटप्रिंट्स जो हैं वो रहेंगे, और इंडिया राइजिंग पावर है इंडो पैसिफिक के अंदर. लेकिन भारत ने जब से मालदीव्स को आंखें दिखाई है तब से मालदीव्स में बहुत से क्राइसिस जन्म ले रहे हैं. अभी नौबत ये आ पहुंची है कि मालदीव्स को IMF बेलआउट चाहिए, और इसके लिए मालदीवियंस पुकार लगा रहे हैं. मालदीव्स की आवाम कह रही है कि हमें प्राइम मिनिस्टर मोदी ही इस चीज में हेल्प दे सकते हैं. सिर्फ प्राइम मिनिस्टर मोदी ही है वो जो IMF बेलआउट में हमारी मदद कर सकते हैं. ये पहले जो कंट्रोवर्सी छिड़ी है भारत और मालदीव्स के दरमियान, मालदीव्स अपने घुटनों पर आ गया है, ये साफ नजर आ रहा है. हर चीज में उनको भारत की मदद चाहिए. मालदीवियंस खुद पुकार लगा रहे हैं भारत को. दुनिया PM मोदी को हमेशा अपने बुरे वक्त में याद क्यों करती है? भारत की इतनी इम्पोर्टेंस कैसे है? मालदीव्स ने बड़ी बदतमीजी की थी भारत के साथ, लेकिन अब मालदीव्स घुटनों पे हमें दिखाई दे रहा है. मालदीव्स देखे, मालदीव्स ने तो बड़े बदतमीजी की थी उनके साथ, अब वो उनसे मदद चाहते कि भारत वाकई दुनिया की मदद करता है. एज कम्पेयर टू अगर हम अपनी बात करते हैं तो हम लोगों ने 76 सालों में क्या अपनी इमेज बनाई है कि तालिबान हमें आंखें दिखाते हैं, बंगाली हमें आंखें दिखाते हैं, लेकिन माफी कोई नहीं मांगता. हाँ ये ऐसा ही है. इसको जारी बात है चाइनीज इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए, वन सेकेंड चाइना को ये पैगाम देने के लिए कि ये जो इंडियन ओशन है इस पे हमारी फुटप्रिंट्स जो हैं वो रहेंगे, और इंडिया राइजिंग पावर है इंडो पैसिफिक के अंदर, और इंडिया की जो आउटरीच है वो साउथ ईस्ट एशिया एंड साउथ पैसिफिक अफ्रीकन एरियाज और ये सारा जितना भी इंडियन ओशन है इसमें बढ़ेगी, और जितने भी इंडिया लाइक माइंडेड कंट्रीज हैं उनके साथ मिल के इशू बेस्ड कोलिशन बनाना चाहता है पर्टिकुलरली स्ट्रेटेजिक इशूज़ के ऊपर. और इंडिया की जो एंगेजमेंट है वो जारी बात है US के साथ है, जापान के साथ है, ऑस्ट्रेलिया के साथ है, और ये जितने भी मिनी लेटरल प्लेटफॉर्म्स हैं क्वाड जैसे, इनका हिस्सा भी इंडिया है. सो इंडिया टेक्निकली आप जैसा कहते हैं ना कि एक जियोग्राफिक लोकेशन का फ़ायदा उठा रहा है, और वो जियोग्राफिक लोकेशन ये है चाइना के करीब होना, अफ्रीका का भी नेबर होना, मिडल ईस्ट का भी नेबर होना, साउथ ईस्ट एशिया का भी नेबर होना, इंडियन ओशन को फिर इट्सेल्फ यूज़ करना एज एन इन्फ्लुएंस, अपने इन्फ्लुएंस के तौर पे यूज़ करना. और इससे पहले आपको पता है कि इंडिया जो है वो अपनी अगलिगा में भी एक सीक्रेट बेस जो है वो बना चुका हुआ है, और ये आपको पता है कि रिमोट मॉरिशियस आइलैंड, मॉरिशियस का आइलैंड है, और इसका मतलब है कि इंडिया अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने जा रहा है. ये जो मॉरिशियस में जो थी एयर स्ट्रिप बनाई गई थी, इसका ताल्लुक तो जो है वो जारी बात है प्योरली चाइना को काउंटर करना है, लेकिन ये जो लक्षद्वीप में जो
जो बेस बना जो नेवी की बेस बनाना है इसका मतलब भी चाइना ही है। और मज़े की बात यह है कि इंडिया जो है उसको ये समझ आई है कि जितनी ज़्यादा अमेरिका से सपोर्ट, जितनी ज़्यादा अमेरिका हमें जो है वो पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक, मॉरल, स्ट्रेटेजिक, टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट दे रहा है और जिस तरह हमारे सामने खड़ा है, सो दिस इज़ द राइट टाइम टू एक्सपैंड इट्स फुटप्रिंट। सुनने में आया है कि इंडियन नेवी जो है वो एक स्ट्रेटेजिकली इम्पॉर्टेंट जो नेवी की जो 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 बेस है वो इस्टेब्लिश करने जा रही है नियर मालदीव्स। और इस हवाले से अगर आपको याद हो कि कुछ अर्सा पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो लक्षद्वीप गए थे, जो इम्पोर्टेंट डिस्कशन है वो ये है कि इंडिया जो है वो लक्षद्वीप आइलैंड्स में, जो कि तकरीबन 130 किलोमीटर मालदीव के नॉर्थ में है, नई नेवल बेस बनाने जा रहा है। और इंडियन जो नेवी है उसने इसके हवाले से एक इंसिग्निया भी जो है वो जारी कर दिया है उस बेस के हवाले से। क्वेश्चन ये आता है कि ये जो कि कहा जा रहा है कि नई बेस जो है वो 6 मार्च को खुल रही है और ये इसके बाद क्या हो सकता है? इसके बाद जारी बात है चाइनीज़, आपको पता है उनकी प्रेजेंस मालदीव्स में बढ़ गई है। आजकल आपको पता है इंडियन नेवी हर जगह बात कर रही है एंटी पायरेसी, एंटी नारकोटिक्स, कभी वो पाकिस्तान की शिप पकड़ लेते हैं, कभी वो ईरान की, कभी ड्रग्स, कभी कुछ। सो हालात ये बन गए हैं कि मैं बार बार एक चीज कह रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी सरप्राइज देना चाहते हैं इस तरह। ये अब मतलब कि दुनिया कहाँ की कहाँ चली गई है, पहुंच गई है। आप क्या कितनी दफा बात करें, मिसाल दें कि हिंदुस्तान को देखें वो क्या कर रहा है, किधर पहुंच गया है। अब हिंदुस्तान का एक बिजनेसमैन है वो अंबानी, जिसके बेटे की शादी आजकल डिस्कशन हो रही है सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा, और वो आ रहा है। वो सऊदी कंपनी अरामको जो है, उन्होंने जो सऊदी अरब की गवर्नमेंट की कंपनी है, उन्होंने पूरे पाकिस्तान में उसका श्रेय अशीर भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया जो सिर्फ एक अंबानी के साथ करती है। अभी आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द इंडियन गवर्नमेंट, कि इंडियन गवर्नमेंट किस लेवल पे ऑपरेट कर रही है, कितनी बड़े मर्जर्स, वेंचर्स, कितने बड़े प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। अहमियत ही नहीं पाए वो चांद पे पहुंच गए। असी अपना अपने साढ़े जाती जड़े मसाइल ने वो उनको ही नहीं हल कर पा रहे। हम मतलब कि इतनी छोटी सोच के लोग हैं, इतनी यकीन करें और उस छोटी सोच के पीछे मरने मिटने को तैयार हैं, जेल जाने को तैयार हैं, मरने मिटने को तैयार हैं, जान की बाजी लगाने को तैयार हैं, सब कुछ करने को तैयार हैं, लेकिन छोटी सोच से बाहर निकल के मामलात हल करने के लिए हम तैयार नहीं हैं। और ये सब के ऊपर इंप्लीमेंट होता है। मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा, मैं सबको इसके अंदर शामिल कर रहा। मतलब कि यहाँ पे अब मैं वो देख रहा था एस्ट्रोनॉट्स को, कुछ पढ़ रहा था कि उनकी पहली सोच क्या थी जब वो ज़मीन से ऊपर खला में गए। अब आम आदमी की सोच भी नहीं जाती, हमारे अहले इक्तदार की सोच भी नहीं जाती यहाँ तक, हमारे सियासतदानों की जिनके पास ताकत है उनकी भी सोच नहीं जाती है यहाँ तक। जब आपस में छोटी छोटी बातों पे लड़ रहे हैं, ये ईगो के मैटर्स बनाए हुए हैं और जान छोड़ने के लिए तैयारी नहीं है उन मैटर्स की। यार आगे बढ़ो,